हाय स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जैसे कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे और वेव ऑप्टिक हमने चैप्टर लिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेव ऑप्टिक चार पार्ट में आप डिवाइड करिए एट ए ग्लांस। पहला पार्ट जो होता है उसमें आपको पढ़ना है हाइजीन की थ्योरी, हाइजीन की थ्योरी के साथ आपको उसके प्रिंसिपल, एंड देन वी विल गो फॉर इंटरफेरेंस, देन डिफ्रैक्शन एंड देन पोलराइजेशन। चार पार्ट हम पढ़ेंगे। तो ये आज मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी वेव फ्रंट के बारे में। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले लाइट जो थ्योरी थी कि लाइट का नेचर कैसा है या बिहेवियर कैसा है, दैट वाज गिवन बाय न्यूटन, जिसे कहते हैं न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने ये कहा था कि लाइट का जो बिहेवियर होता है वो पार्टिकल की तरीके से होता है, और जो हम अलग अलग कलर देख पाते हैं दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीन लाइट के ऐसे फिनोमेना हैं जिसे न्यूटन अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मतलब उन्होंने जो पार्टिकल नेचर कहा उससे ये तीन फिनोमेना नहीं हुआ। बट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, उसका क्या मतलब होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप कोई चीज रखते हैं तो इट विल कास्ट शैडो। सेकेंड रिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको कहा कि आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ये तीनों जो होते हैं वो न्यूटन ने एक्सप्लेन किए, बट तीन एक्सप्लेन किए, तीन नहीं किए, तो उनकी थ्योरी की जगह हमें किसकी थ्योरी पढ़ना पड़ी, हाइजीन की थ्योरी। इन्होंने कहा, व्हाट इज इट्स पोस्टुलेट, मैंने आपको कहा था ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाइजीन के दो पोस्टुलेट क्या हैं। उनके पोस्टुलेट्स को पढ़ने के पहले हमें एक नया टर्म पढ़ना पड़ता है, वेव फ्रंट। अगर मैं सिंपल टर्म बोलूं कि वेव, जो चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक, तो वेव किसे कहते हैं, वेव इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जैसे मैं कह रही हूं तो मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर में जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और साउंड जो है वो कैसे प्रोपोगेट हो रही है, उसकी एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या हो रही है, प्रोपोगेट होती जा रही है। दैट मींस द प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज मेकिंग द वेव। और वेव एक्चुअली दो प्रकार की है आपकी, कौन कौन सी, आपके दिमाग में तुरंत आएगा लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, नो। वेव आपकी जो दो तरीके की होती है वो होती है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल, जिनको मीडियम की जरूरत है प्रोपोगेशन के लिए, जैसे साउंड, अगर मैं वैक्यूम में बोलूं या बंद कर दूं सब तरफ और अगर आपके पार्टिकल्स बाहर ना जा पाए तो साउंड भी नहीं जा सकता, तो मीडियम की जरूरत है मैकेनिकल। मीडियम की जरूरत नहीं है जो आप इस साल 12th में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे, गामा, यूवी, आईआर, इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से अब आपके पास क्या आया कि जब आप डिस्टरबेंस हो रहा है आपका मीडियम पार्टिकल में, तो सारे वो पार्टिकल्स जो सेम टाइम पे डिस्टर्ब हो, जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, सेम टाइम हो, ठीक है, मतलब उनका फेज चेंज ना हो और टाइम सेम हो, जब उनका लोकस आप बनाते हैं आप उन पार्टिकल्स का, सो दे विल गिव यू व्हाट, अ न्यू टर्म, वेव फ्रंट। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या बोल सकती हूँ, लोकस ऑफ जॉइनिंग ऑल दोस पार्टिकल विच इज वाइब्रेटिंग एट द सेम टाइम हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना, जो एक ही साथ वाइब्रेट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो देखिए, आपको अगर मैंने एक सिंपल वेव फ्रंट बनाने की कोशिश की, तो हाइजीन ने जो अपने पोस्टुलेट में कहा वो यही कहा कि अगर मैं पार्टिकल्स, जो डिस्टर्ब्ड पार्टिकल लू, ठीक है, मीडियम में जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं वो डिस्टर्ब पार्टिकल लूं और सबका टाइम सेम रखूं, ठीक है, तो व्हाट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो अगर व्हाट इज वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को मैं सी लेती हूं और डिस्टेंस को मान लीजिए मैं डी लेती हूं, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, सी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट सी टी। तो मैंने क्या कहा, सेम समय पर एक ही जगह पर अगर मैं लोकस बनाऊं तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस सबका लेना पड़ेगा सी टी। तो मैंने पार्टिकल को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ किए हैं और सारे सर्कल का रेडियस कितना लिया है, सी टी सी टी सी टी। और अब मैंने टेंजेंट बनाया, ये जो है ना पार्ट, जो सिंगल पॉइंट टचिंग लाइन इज गोइंग इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। तो जब मैंने इसे
ज्वाइन कर दिया तो ये मुझे क्या मिल गया, ए डैश बी डैश। देखिए पहला वाला ए बी है डिस्टर्ब पार्टिकल, उन डिस्टर्ब पार्टिकल को मैंने सेंटर मानते हुए क्या बनाया है, सर्कल, और सर्कल का रेडियस कितना लिया है सबका सी टी, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, यानी फेज चेंज नहीं होना है। तो जो मुझे लोकस मिला वो आपको पोजिशन दे रहा है किसकी, वेव फ्रंट की, ठीक है। अब कितने प्रकार के वेव फ्रंट होते हैं, जो टाइप्स मैंने आपको याद है ना, आप लास्ट वीडियो में देखिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि यू हैव टू स्टडी अबाउट वेव फ्रंट, फिर आपको बताना पड़ेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट आर देयर। तो जिस प्रकार का सोर्स है आपका, जो भी लाइट सोर्स है उस प्रकार के आपके वेव फ्रंट होंगे। जैसे मैं कहूं कि पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स क्या होगा, पार्टिकल चारों तरफ डिस्टर्बेंस देगा ना, तो चारों तरफ पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर चारों तरफ पार्टिकल डिस्टर्ब हो सकते हैं तो मैं क्या करूंगी, सेम डिस्टेंस पर जब ज्वाइन करूंगी तो व्हाट विल बी द शेप, इफ द सोर्स इज पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ द वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल, गोल वेव फ्रंट बनेगा। अगर मेरा सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है, तो एक वेव फ्रंट हो गया कैसा, स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, जब सोर्स आपका पॉइंट सोर्स हो। दूसरा अगर मैंने कहा कि आपका लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स किसको कहते हैं, जब एक लाइन स्ट्रेट लाइन में हो, तो अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट, जब आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है चार्जेस का, तो चारों तरफ कैसा शेप बन रहा था, सिलेंड्रिकल। वैसे ही अगर सोर्स लाइन सोर्स है तो पार्टिकल जो होते हैं वो दोनों तरफ आपके क्या करेंगे, आपके पार्टिकल्स का अगर आप लोकस ज्वाइन करेंगे तो आपका शेप ऐसा ही आएगा, एंड दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो पहला हो गया सोर्स इज द पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल। और तीसरा होता है कि अगर बहुत दूर है कहीं सोर्स, मतलब रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है ना। अगर हम देखें ऑप्टिक्स में कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द रेज आर पैरेलल, तो पैरेलल सोर्स में जो वेव फ्रंट आपका बनेगा वो बनेगा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन PLN। इस केस में जो है वो आपका सोर्स इज समवेयर एट इंफिनिटी, तो हम मानते हैं कि वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या हुआ, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जॉइनिंग, सारे लोकस को हमको जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करना है, एक ड्रॉ करना है टेंजेंट जिसका टाइम सेम हो, डिस्टेंस सेम हो और फेज डिफरेंस ना हो, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। कितने वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। अब ये जो मैंने आपको तीन डायग्राम यहां ड्रॉ करके रखे थे वो क्या है, एक है कि वेव फ्रंट ऑफ द पैरेलल बीम, अगर ये पैरेलल बीम है ऐसी रे ऑफ लाइट जाती है, देखिए जो रे ऑफ लाइट होती है उसे हम एरो से डिनोट करते हैं, वो क्या बताती है कि पार्टिकल्स जो है वो सारे डिस्टर्ब्ड होते जा रहे हैं और एनर्जी जो है वो कॉन्सिक्वेंटली आगे की तरफ ट्रांसफर होती जा रही है, तो उसे हम लाइन से शो करते हैं। तो अगर पैरेलल बीम है तो वेव फ्रंट इस तरीके का होगा, कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्जिंग बीम तो आप देखिए कैसा वेव फ्रंट बन गया, ये स्फेरिकल शेप, मतलब आपका ये कर्व आएगा, ठीक है। और डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट हो गई, तो भी आपका ये शेप कैसा आ रहा, स्फेरिकल। मैंने आपको कहा था हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग उसको एक्सप्लेन करिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग एक्सप्लेन करिए। तो पहले आपको वेव फ्रंट के बारे में पता होना चाहिए, तो ये एक डायग्राम आप बना सकते हैं, वेव फ्रंट ऑफ द पैरेलल बीम फॉर द कन्वर्जिंग बीम फॉर द डाइवर्जिंग बीम। तो आज के हम वीडियो में सिर्फ इतना देख रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हमको बहुत सारी एक साथ नहीं देखनी है, सिर्फ हमने देखा कि वेव फ्रंट क्या है और वेव फ्रंट के टाइप्स क्या है, हाइजीन का प्रिंसिपल और उसका यूज देखेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, हाउ द वेव थ्योरी इज यूज्ड, यानी हाइजीन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। थैंक यू।